8.6.2 भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। भारत ब्रिटेन के अधीन था और यहाँ के राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ था। सन 1857 में भारतीय सैनिकों व पुराने शासकों ने अंग्रेजों को भगाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। वे लोग मूलतः पुरानी शासन प्रणाली वापस लाना चाहते थे। भारत में एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई की शुरुआत 1880 के बाद हुई, जिसका सूत्रपात भारत में उभरते नए मध्यम वर्ग ने किया। भारत के नए मध्यम वर्ग की खासियत यह थी कि इसमें भारत के हर प्रांत से और हर धर्म और जाति के लोग सम्मिलित थे। इसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह जैसे बुद्धिजीवी, बाल गंगाधर तिलक और गोखले जैसे नेता, बद्रुद्दीन तैयब जी और रहमतुल्लाह सयानी, पंडिता रमाबाई, लाला लाजपत राय जी, सुब्रमण्यम अय्यर और रामस्वामी मुदलियार, वामन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रास बिहारी बोस आदि कई देशभक्त शामिल थे। यहाँ तक कि भारत में रहने वाले कई अंग्रेज जैसे ए ओ ह्यूम व एनी बेसेंट भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। यह मध्यम वर्ग एक तरह से पूरे भारत का और उसके विभिन्न समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। इस वर्ग की विशेषता यह थी कि उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और यूरोप के लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों से अवगत थे और उनके प्रति आस्था रखते थे। वे मानते थे कि भारत को एक आधुनिक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसे पुरातनपंथी या सामंती रास्ते पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विज्ञान और औद्योगिकीकरण के रास्ते पर जाना होगा। इन्होंने मिलकर सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो हर साल मिलकर देश की दशा और उसकी ज़रूरतों पर विचार विमर्श करती थी और ब्रिटिश शासन को सुधार के लिए ज्ञापन देती थी। सन 1905 से 1920 के मध्य का दौर लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व का युग था। इनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों के कारण भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। अंग्रेजों की नीति से प्रभावित किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित और महिलाएं अपने अपने स्तर पर शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे। जगह जगह ऐसे लोगों के विद्रोह एवं आंदोलन चलने लगे। उल्लेखनीय बात यह थी कि वे न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बल्कि भारतीय समाज की कुरीतियों का भी पुरजोर विरोध करने लगे थे। वे चाहते थे कि भारत में जमींदारी, बेगारी आदि शोषणकारी व्यवस्थाएं खत्म हों और महिलाओं, दलितों आदि के खिलाफ भेदभाव समाप्त हो। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। भारत लौटे, उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और अन्य आंदोलनों के बीच जुड़ाव बनाया और किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं व वंचित वर्ग की समस्याओं को राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत उठाया। यही नहीं, गांधी जी ने ऐसे स्वराज की कल्पना की जिसमें भेदभाव और असमानताएं न हों और यह कहा कि हमारा उद्देश्य केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं है, बल्कि भारत में सामाजिक बदलाव लाना है। वे इसके लिए हिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन की पैरवी की जिसे सत्याग्रह नाम दिया। इस तरह के आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद को बहुत मजबूत बनाया। अब साधारण जन अपने आप को एक देश का हिस्सा समझने लगे थे। उनकी अलग भाषा, संस्कृति, वेशभूषा होते हुए भी एक भावना पनप गई कि हम एक राष्ट्र का हिस्सा हैं और
इसने उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया। अंग्रेज़ों की कई कोशिशों के बावजूद न तो यह राष्ट्रवादी भावना दबाई जा सकी और न ही लोगों को किसी भी तरह का समझौता करके अंग्रेज़ों के अधीन रहने को तैयार किया जा सका। लोग पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ गए। सन 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नाम से एक विशाल आंदोलन किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से कई लोग असहमत थे। इन्हीं सब के बीच भारत अगस्त सन 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों में बंटकर आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा बैठी और उस सभा की ओर से एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। लगभग 3 साल के विचार विमर्श के बाद जनवरी सन 1950 में संविधान बना जिसमें भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया जो भारत के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व हासिल करने के उद्देश्य को लेकर काम करेगा। संविधान के तहत हर नागरिक को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं और अधिकार दिए गए। इस तरह भारत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य बना।